गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज है शनिवार और आज मैं थोड़ा लेट जगा था, इसीलिए ब्लॉग भी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। खैर, आज से 3 दिन की छुट्टी है बच्चों की, तो आज से हम कुछ नया प्लान करेंगे। हालांकि हम घूमने घामने तो नहीं जा सकते हैं, उसका रीज़न बताऊँगा कि अभी हम घूमने का प्लान कहीं क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज बहुत काम है मेरे पास, लेकिन बाहर मैं सोच रहा हूँ मैं भी बुलेट ले लूँ, इतनी तेज़ आवाज़ करता है ना बुलेट। खैर एनीवेज, तो आज काम तो काफ़ी है लेकिन कहीं जाना नहीं है, घर से ही हो जाएंगे सारे काम, फ़ोन पे ही होने हैं, बहुत सारे काम हैं। मतलब मेरा फर्स्ट हाफ पूरा ख़राब होने वाला है। और चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बच्चों की छुट्टी है आज, लेकिन उनकी ट्यूशन वाली मैडम आज जल्दी आएँगी, मेरे ख्याल से 11-12 बजे आ जाएंगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। One hour later. So guys, अभी बात हुई है आर ओ वाले भैया से, क्योंकि आज हमें आर ओ की सर्विस भी करवानी थी, कल मैंने रिक्वेस्ट डाल दी थी, तो वो अभी बात हुई है, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर आर ओ की सर्विस करेंगे, देखते हैं उसमें कितना खर्चा आता। हालांकि मैंने AMC ली हुई है तो सर्विस तो फ्री होगी, लेकिन वो आते हैं कभी न, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो चेंज करते ही है, जैसे कि जो बाहर वाला हमारा एक वो होता है ना फिल्टर, वो तो वैसे भी चेंज होता है, 250-250 खर्चा तो उसमें आता ही आता है, बाकी देखते हैं उसके अलावा और क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, कुछ टाइम से मैं देख रहा था कि RO पानी सही नहीं दे रहा है, तो मैंने उसकी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, और भैया आ गए और सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फ़िल्टर सारे एक्सपायर हो चुके हैं तो वो चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। सो लगभग 6,000 का खर्चा है इसमें, तो अभी फ़िल्टर चेंज करवाएंगे और इसकी सर्विस भी करवा लेंगे, बाकी चलो देखते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, TDS बढ़ जाता है और मिनरल्स वगैरह नहीं इसमें आते हैं, तो उस कंडीशन में फ़िल्टर्स चेंज करवाने ही पड़ते हैं। अब ऐसे भी 1 साल की वारंटी होती है और 1 साल के लिए ही रिकमेंडेड होता है फ़िल्टर, तो हर 1 साल के बाद चेंज करना ही करना है, तो इस हिसाब से किसी भी RO की मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाती है, साल में मतलब 5-6 हज़ार खर्चा तो है ही है। गाइस, फाइनली RO की सर्विस हो गई है, इसके फ़िल्टर्स भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे सर्विस को और फ़िल्टर को 1 साल हो गया था। 3-4 फिल्टर चेंज होते हैं यार, 5-6 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक बार में, साल में काफ़ी महंगी मेंटेनेंस होती है इसकी। तो 346 minutes later. सो गाइस, अभी बज गए हैं 5:30, शाम के 5:30 हो गए हैं। वैसे प्लान था कि 5 बजे हम निकलेंगे पार्क, जैन पार्क जाएंगे, हमारे नज़दीक ना जैन पार्क पड़ता है। तो देखो टुट्टू तैयार हो गया है, हर्षू कहाँ है? हर्षू नीचे पार्किंग में है, तो उसको वहीं से ले लेंगे। चलो फिर चलते हैं जैन पार्क, वहीं मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। गाइस, हम जा रहे हैं पार्क। कौन से पार्क? नाम नहीं। जैन पार्क। हाँ, जैन पार्क। चलो गेट बंद करो। गेट बंद करो। आज कुछ होगा क्या वहाँ पर मंदिर में? परसों जन्माष्टमी, उसी की तैयारी हो रही है। हाँ। ये देखो गाइस, मंदिर की सजावट हो रही है। हाँ। जय श्री राम। अभी तो आज सैटरडे है ना, 2 दिन है। हाँ। कल और परसों, कल देखना पूरा सज जाएगा अच्छे से, क्योंकि परसों जन्माष्टमी है ना। निकलेंगे, लग रहा है रोड बन रही है, इस चक्कर में इस साइड से भी नहीं निकलेगी। ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है, ये नहीं इस देश वाले का ट्रैक्टर तो नहीं लग रहा है, उसका स्वराज था। नहीं, उसका स्वराज और जॉन डियर था ना। देखा मामा, कह रहे तो साइकिल ले जाओगे तभी साइकिल आ पाएगी, स्कूटी नहीं आ पाएगी। निकाल, रुक जाओ बाबू, निकाल। अरे 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 अरे, पकड़ मत, निकाल दी।
पहुंच गए हम। आज कीचड़ भी नहीं है इधर, पहले बहुत कीचड़ थी। हम साइकिल आ तो सकती थी इधर, नया बन गया पापा, नया बना है कुछ ये लो पापा, क्लाइंबिंग कर सकते हैं। सो गाइस बहुत टाइम बाद आ रहे हैं हम इस पार्क में। वो क्यों रहा है? वो पूछ रहा है मुझसे मिला नहीं यार, इतने दिन बाद आया, हाय हेलो तो कर लेता। काफी हरियाली हो गई है पहले से बेटर। झूले भी अच्छे हो गए हैं पहले से सारे। ये खराब है ना, बाकी तो सारे अच्छे हो गए, देखो बड़े गए हैं झूले। यहाँ आराम से खेलो, मैं आ रहा हूँ ट्रैक के ना, दो तीन राउंड मार के आता हूँ। पहले आते थे हम लोग यहाँ पे, सुबह तो नहीं शाम को ही आते थे कभी कभी, काफ़ी टाइम पहले यानी एक साल के आसपास हो गए, फिर हमने आना छोड़ दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ ना, शाम को बच्चे फ्री हो जाते हैं ना जब ट्यूशन से, तो उनको लेके आया करूँगा एक घंटे के लिए, एक दो घंटे के लिए, इसी बहाने वो खेल लेंगे, ब्रेक भी हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना जाके पढ़ाई वढ़ाई करके खाना खा के सो जाएंगे। ये देखो गाइस, हर्षा और दक्ष के दोस्त बन गए पहले दिन ही। हर्षा बोला देखो मेरे दोस्त बन गए, मैंने कहा कोई नहीं अब डेली आओगे ना तो डेली बनेंगे दोस्त। हाँ इनको ब्लॉग में डाल देंगे कल। सुबह इस बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़, मतलब कि खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में तो हम डेली जाते थे ग्राउंड में, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी खो खो भी खेलते थे हम लोग पहले के टाइम में ना, खो खो बहुत खेलते थे। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना डेली टाइम निकाल के शाम को बच्चों को लेकर आया करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, फिर ये बीमार भी जल्दी नहीं पड़ेंगे। गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, मटियाला वाला फ्लैट लेने से पहले ना, दो ढाई साल पहले की बात है, हम जब फ्लैट सर्च कर रहे थे ना, यहाँ पे एक फ्लैट है वो हमने देखा था, वो दिखाता हूँ। ये देखो सामने देख रहे हो ऊपर एक फ्लैट, ये जो बिल्डिंग है ये वाली, इसमें था एक फ्लैट, यहाँ से ना पार्क बिल्कुल दिखता था पूरा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी ना कि उसकी जो बालकनी थी ना पीछे वाली बहुत छोटी थी। देखो जरा सी बालकनी है वो, देखो तो एसी लगा हुआ ना, वो थर्ड फ्लोर था जो हमने पसंद किया था, पर बालकनी छोटी थी और जो फ्रंट वाला एरिया था ना वो भी मतलब थोड़ा खाली खाली था, सुना सा था, तो फिर मन नहीं माना मेरा, फिर हमने वो लिया ही नहीं। वरना ये लिया होता तो डेली शाम को पार्क के नज़ारे देखते हम लोग और टहलते टहलते पार्क आ जाते। देखो अब धीरे धीरे बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है ना, आधा घंटा हो गया, अब हमें निकलना चाहिए, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ी देर के बाद ही निकल जाएंगे, क्योंकि अभी फ्लैट पे भी जाना है, वहाँ पे चेक करना है लिफ्ट की कंडीशन क्या है, क्योंकि डोर लॉक अभी चेक चेंज नहीं हुआ था, आज एक बार और चेक करना है। आज लिफ्ट वाले से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि शायद चेंज करवा दिया, लेकिन उसने भी कन्फर्म नहीं किया था मेरे को, अगर खुद से चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं चेंज किया होगा तो वीडियो बना के फिर भेज दूँगा उसको दोबारा। चलो फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। चलो बेटा चलो, बुलाओ हर्ष को। कहाँ है हर्ष, कहाँ है हर्ष, कहाँ है, ढूंढ लो उसको, चलते हैं। गेट पे रहना फिर। हाँ मैं गेट पे हूँ, चलो। हर्षो नहीं मिल रहा है गाइस, खो गया पता नहीं कहाँ, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। कहाँ छुप गए थे तुम? चलो थक गए, देखो पसीना पसीना हो गया, आओ चलो, बाय बेटा, चलो 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 गाइस निकल रहे हैं अब हम घर के लिए, मटियाला वाला फ्लैट के लिए जा रहे हैं अभी, फिर उसके बाद घर निकलेंगे, हो सकता है डायरेक्ट मंदिर ही चले जाएं, क्योंकि शनिवार है ना, आज मंदिर भी जाना है हमें। चलो सीधे घर चलो, अब इधर इधर अब मटियाला जाना पहले। सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर, पार्क से होके और मटियाला वाले फ्लैट से होके घर आ चुके हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट लेके
क्योंकि आज है सैटरडे तो हम शनिदेव के दर्शन करने जाएंगे और फिर आके देखते हैं, टाइम मिलेगा तो थोड़ा गेम खेलेंगे आज, है ना। चलो फिर निकलते हैं थोड़ी देर में शनि मंदिर। गाइस पसीना देखो कितना हो रहा है, देखो इतनी उमस हो रही है, इतनी उमस हो रही है ना। अभी हम मंदिर से होके आए हैं, उमस भी हो रही है, गर्मी भी लग रही है, थक गए। हम नीचे आके हम बेल बजाए जा रहे हैं, कम से कम 5 मिनट हो गए। मैंने क्या हो गया भाई, फोन घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है ना। तो मैंने फ़ोन किया, पता चला कि मैडम तुम उधर गई हैं बगल में, सूट उट कुछ देना था सिलने के लिए वहाँ पे। तो फिर उसके बाद आए हम अंदर, गर्मी में खड़े रहे। चलो गाइस फिर इसके बाद अब डिनर विनर करेंगे, अपना खा पी के सो जाएंगे। खेलने का मन नहीं है, थक गए हैं, कल देखते हैं ना। कल संडे है, कल देखते हैं भाई दिन में, है ना। कल वैसे कुछ काम भी नहीं है तो अपना घर पर रहेंगे, एंजॉय करेंगे मस्त। चलो आज का ब्लॉग फिर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।